कानपुर में शहीद श्याम बाबू के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची तो शहीद की विधवा को गले से लगा लिया। वो शहीद की पत्नी को संभाल रही थी तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये गुस्सा उस देश के खिलाफ है जिसने भारत को बहुत बड़ा जख्म दिया। इसके बाद जब स्मृति ईरानी शहीद श्याम बाबू के पार्थिव शव पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंची तो लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा। शहीद श्याम इस तरह पंचतत्व में तो विलीन हो गए लेकिन अपने पीछे 4 साल का बेटा और 6 साल की एक बेटी छोड़ गए। अपना फर्ज निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर चिता पर रखा था। मुखाग्नि देने की तैयारियां की जा रही थी लेकिन यहाँ काफी देर अपनी भावनाओं पर काबू रखने वालों का गुस्सा फिर फूट पड़ा। जोर जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। वतन का रक्षक अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया गुस्सा, गम और आक्रोश। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोगों का यह आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़ा है। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने की कस्में खाने वाले ये वो लोग हैं जिनका अपना वतन की रखवाली करते हुए शहीद हो गया। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर से आई। जब शहीद जीतराम का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा तो लोगों ने अपने जज्बात इस तरह से बयां किए। शहीद जीतराम के भाई भी फौज में शामिल होना चाहते हैं। देश की अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है, मुझे अपने भाई पर गर्व है। मैं पाकिस्तान से बदला लेना चाहता हूँ मेरे भाई के दुश्मनों से। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि मेरे भाई का दुश्मनों से बदला लिया जाए। इस घर के सभी लोग सिर्फ पाकिस्तान से बदला चाहते हैं। अपना देश तरक्की पे आना चाहिए हैं, या प्रधानमंत्री पे जो कुछ बने सुसरी में, हम तो जो कि पाकिस्तान जीनी नहीं चाहिए, मरनी चाहिए। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले शहीद जीतराम देश के लिए वो कर गए हैं जिसका कर्ज पूरा देश कभी चुका नहीं सकता। ये पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये लोग अपने गांव के लाल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज से आई। यहाँ के रहने वाले शहीद पंकज त्रिपाठी पुलवामा में शहीद हो गए। शहीद पंकज त्रिपाठी छुट्टी पर आए थे और 3 दिन पहले ही उन्होंने वापस ड्यूटी ज्वाइन की थी। जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो उसकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह राजस्थान के राजसमंद की आई तस्वीरें हैं। जब यहां आर्मी के हेलीकॉप्टर से शहीद नारायण लाल गुर्जर का शव लाया गया तब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा। लोग न सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि मोबाइल से इसका वीडियो भी बना रहे थे। इसके बाद जब शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हुई तब भी पाकिस्तान के खिलाफ यह आक्रोश देखने को मिला। ये ऐसे वतन के रखवाले हैं जिनकी शहादत हमेशा याद रहेगी।